दिल्ली में 20 दिसंबर की रात को दिल दहला देने वाली एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ दबंग लूट के इरादे से दो लड़कों को बुरी तरह पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर देते हैं, जिसके बाद उनसे लूटपाट कर घायल हुए दो युवकों को उठाकर नाले में फेंक कर फरार हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पूरी वारदात दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र की है, जहां दबंग लुटेरों का शिकार हुए दो में से एक युवक जतिन की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जांच में पता चला कि पंकज और जतिन नाम के दो दोस्त एक बर्थडे पार्टी से देर रात करीब 2 बजे वापस लौट रहे थे। उसी दौरान संगम विहार क्षेत्र की एक गली में कुछ दबंगों ने उन्हें रोका और अपनी कीमती चीजें उनको सौंपने को कहा। पीड़ितों ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने इन दोनों युवकों को सड़क पर गिराकर पत्थरों से बुरी तरह पीटा और उनके पास से 3,000 रुपये लूट लिए, जबकि दबंग घायल युवकों को नाले में फेंक कर फरार हो गए और ये पूरी वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल हुए युवकों में जतिन नाम के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि घटना में शामिल संगम विहार निवासी एक आरोपी रमजान को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जतिन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त पंकज घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली की संगम विहार पुलिस घटना से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन लूट के इरादे से दबंग द्वारा दी गई वारदात को अंजाम दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।